अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ रक्षी आलम। आप सबको मेरे चैनल में खुश आमदीद। आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ हलवों में इस्तेमाल किया जाने वाला दानेदार खोया, और ये भी बताऊँगी कि खोए कितनी किस्म के होते हैं और किस चीज़ में कौन सा खोया इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा जी, ये मैंने दानेदार खोया बनाने के लिए फुल क्रीम मिल्क आधा किलो दूध लिया है, जो कि बहुत अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है। इसमें तकरीबन 1 टेबल स्पून थोड़ा थोड़ा करके इस तरह विनेगर डालेंगे, यानी कि सफ़ेद सिरका। अब इस तरीके से इसमें चमचा चला लेते हैं। आप देख सकते हैं कि मिल्क सॉलिड फॉर्म में अलहदा हो गया है, यानी कि ये पनीर बनकर तैयार है, जिसे कॉटेज चीज़ भी कहा जाता है। अब हमने क्या करना है, इसको फौरन छान लेना है। अगर ज़्यादा पका लिया तो क्या होगा, कॉटेज चीज़ रबड़ की तरह सख्त हो जाएगी। अब इस तरह कॉटेज चीज़ को छलनी में डाल के 2 से 3 दफ़ा पानी से कंगाल लेते हैं, ताकि इसमें से सिरके की तमाम खटास निकल जाए। ये पनीर धुलकर तैयार है। इसे हमने बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना, बस हल्के हाथ से इस तरह से प्रेस करते हुए इसमें से पानी निकाल देना है। ये हमारी नरम मुलायम दानेदार कॉटेज चीज़ बनकर तैयार है। इसे एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अब आप इसे गाजर के हलवे में इसी तरह से खोए की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें सिर्फ 50 ग्राम खोया डाल के मिक्स कर रही हूँ। दानेदार खोया बनाने के लिए खोए को पनीर में बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। ये हमारा दानेदार खोया बनकर तैयार है। मार्केट में 2 तरह का खोया मिलता है, एक इस तरह का दानेदार होता है और दूसरा बिल्कुल स्मूथ होता है, जो कि गुलाब जामुन वगैरह बनाने में काम आता है, और जो दानेदार होता है वो हलवों में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन मार्केट में इस तरह का दानेदार खोया बहुत कम दस्तियाब होता है। ज़्यादातर स्मूथ खोया मार्केट में आसानी से मिल जाता है, लेकिन ये खोया आसानी से नहीं मिल पाता। आप इस तरीके से खोया बना के हलवों में ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। आपका हलवा बिल्कुल बाज़ार जैसा दानेदार बनकर तैयार होगा। जिस तरीके से बाज़ार के हलवे में खोया दानेदार नज़र आ रहा होता है। ओके, अगली रेसिपी की वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।